अगर आपने भी कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन किया है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो मैंने ऑनलाइन ओपन किया है तो मुझे डेबिट कार्ड कौन सा मिला है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जीरो सेविंग अकाउंट मैंने ओपन किया है और लगभग मुझे 15 दिन के अंदर जो है डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन वैसे डिलीवर किया नहीं जाता, आपको मैसेज के द्वारा जो है मंगवाना पड़ता है, मीन्स एक मैसेज सेंड करना पड़ता है और अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो मैंने सेंड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ मैसेज मैंने क्या सेंड किया था। तो स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे साइड में देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन सा मैसेज मैंने टाइप किया था, कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो साइड में दिख रहा होगा कि कैसे मैंने मैसेज किया था और कैसे उसके बाद 15 दिन के अंदर मुझे ये मिल गया था, ठीक है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस देखिए पैकेट जो है इस टाइप का रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे एड्रेस वगैरह रहता है और यहाँ पे जो कुरियर वाले हैं वो यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख देते हैं कि इस पिन कोड पे भेजना है, ठीक है। और बैक साइड में दिखाते हैं, बैक साइड में तो ऐसा कुछ रहता नहीं, यहाँ पे शॉप पे बिल ट्रैवल मूवीज फ्यूल डाइन ऑनलाइन इस तरह का रहता है, ठीक है ना। पैकेट जो है वहीं पर मैंने खोल लिया था दिल्ली में, बट इससे कुछ निकाला नहीं था, ठीक है ना। तो अभी मैं इसके अंदर दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है डेबिट कार्ड के साथ। तो देखिए ये इस तरह का जो है डेबिट कार्ड मिला है मुझे, ठीक है ना, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, सॉरी CRN नंबर है। तो देखिए इस तरह का डेबिट कार्ड मिलता है, यहाँ पे 811 लिखा हुआ रहता है, कोटक महिंद्रा बैंक लिखा हुआ है, ड्रीम डिफरेंट, और यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर रहता है और एक्सपायरी डेट जो दिया हुआ है 12/2028 का दिया हुआ है, ठीक है। वीजा क्लासिक लिखा हुआ है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे कोटक 811 लिखा हुआ रहता है, पीछे जो है इसका CV भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है। तो कुछ मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है आपका कौन कौन सा एक्टिवेट है, यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक यूज जो है ऑन है, पॉस आउटलेट ई कॉमर्स ऑनलाइन जो है ऑफ किया हुआ है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी ऑफ किया हुआ है, आप इसको अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑन कर सकते हैं, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पूरी तरह से बंद है, तो आप इसको ऑनलाइन अपने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से इसको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। वो नीचे हेयर इज हाउ कैन एनेबल बिलो पेमेंट फैसिलिटी, तो ये सब जो है कैसे आप अवेलेबल कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या फिर कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच से या फिर लॉग इन टू मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग और विजिट नियरेस्ट ब्रांच, ठीक है। और इसमें यही सब फीचर्स दिया हुआ कि आप कैसे एनेबल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारा कुछ दिया हुआ है। तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा कि कैसे एनेबल किया जाता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका पिन कैसे सेटअप किया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ तो दिया हुआ नहीं है, और डेली लिमिट जो यहाँ पे देखिए 25,000 रुपए दिया है, और डेली परचेस लिमिट जो है वो 1,00,000 रुपए है इसमें, ठीक है। तो ये जीरो सेविंग अकाउंट में आपको 1,00,000 रुपए का डेली परचेस लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो है और कुछ तो खास है नहीं, और ये दिया यूज योर डेबिट कार्ड टू गेट एवरीथिंग ऑन स्मार्ट EMI, मतलब अगर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो EMI के माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से आउटलेट्स दिया, मींस कौन कौन से कंपनी का दिया हुआ है, देखिए वन प्लस एप्पल सैमसंग LG रिलायंस डिजिटल और BGS टूल्स करके है, फ्लिपकार्ट अमेजन है, सोपर स्टॉप है, क्रोमा है, मिंत्रा है, टाटा क्लिक है, पूर्विका है, BYJUS है, तो इस तरह का जो है इतना सारे से कंपनी से टाई अप है, ठीक है। और आपको अगर चेक करना है कि ये सब में ऑफर है या नहीं, तो इस तरह का मैसेज आपको टाइप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है DC EMI स्पेस, आपको लास्ट 4 डिजिट जो है कार्ड का और इस नंबर पे आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप मिस कॉल कर दें इस नंबर पे और चेकआउट कर लें, उसके बाद आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगा आपका प्री अप्रूव्ड है या नहीं, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।